हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के टेक क्लासेस। दोस्तों, डी एफ सी सी आई एल ALP में रिक्रूटमेंट आने वाली है। दोस्तों, इसकी जो पोस्ट डिटेल है वो जारी हुआ है, तो ALP के लिए है और LP के लिए भी है। अदर पोस्ट में दोस्तों टोटल कितनी है, 2768 पोस्ट हैं। कितनी है, 2768 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, और जो भी पोस्ट डिटेल आउट हुई है इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पी के आर टेक क्लासेस को। तो शुरू करते हैं पी के आर टेक क्लासेस। दोस्तों, टोटल इसमें जो पोस्ट हैं वो कितनी है, मैंने अभी बताया आपको 2768। इसमें दोस्तों क्या है, ये DFCCIL का पूरा नाम क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों 2020, रिक्रूटमेंट 2020 लोको पायलट, लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये जारी हुआ है। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी अपडेट आपको दी थी पोस्ट के थ्रू, और अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 1 जुलाई को जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखेंगे दोस्तों, ये है पोस्ट डिटेल। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है वो है दोस्तों 1306। लोको पायलट की पोस्ट है सेम, मतलब सेम टू सेम नंबर ऑफ पोस्ट है 1306। लोको इंस्पेक्टर की दोस्तों 686 पोस्ट है, और क्रू कंट्रोलर की पोस्ट 70 है। दोस्तों, तो टोटल पोस्ट कितनी हो जाती है आपकी, 2768, 2768। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब जो इसमें पे स्केल है वो आपका ALP, सीनियर ALP, जूनियर कैप्टन के लिए, ALP के लिए N5 लेवल आपका होना 25,000 से 68,000, और N6 आपका 28,000 से 80,000, और N7 है 29,000 से 91,000। ठीक है, कैप्टन एंड सीनियर कैप्टन के लिए होगा आपका 30 से 1,20,000, और 40 से 1,40,000। तो ये तो पोस्ट डिटेल है, और सॉरी सैलरी डिटेल। अब देखते हैं आगे अदर डिटेल। एज लिमिट क्या होगी दोस्तों, इसमें एज लिमिट होगी आपकी 18 से 30 साल, 18 से 30 साल ये एज लिमिट होगी इसके लिए। और आगे देखते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या होने वाली है, ITI डिप्लोमा एंड डिग्री, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल और इक्विवेलेंट ट्रेड एंड इंजीनियरिंग। ठीक, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देखते हैं, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या डिटेल है, कैसे रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों। तो जो ALP का होगा एग्जाम वो होगा डायरेक्ट रिटन बेसिस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अदर पोस्ट थ्रू प्रमोशन और डेप्यूटेशन। तो दोस्तों ALP की डायरेक्ट पोस्ट होंगे, और जो अदर पोस्ट हैं वो प्रमोशन और डेप्यूटेशन के थ्रू ही होगी। ALP एस्पेक्टिव नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा दोस्तों, ये सितंबर अक्टूबर में जारी हो जाएगा, सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसके चांसेस हैं नोटिफिकेशन आने के। तो यदि आप इससे इसकी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आप तैयारी के लिए लग जाइए दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पी के आर टेक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।